हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनके फुल मस्ती। सो गाइस, काफी ज्यादा मैं लेट नहीं हूँ, मेरे भाई लोग लेट है। ये देख लो कैसे, मतलब एकदम ना देख रहे, एकदम शॉक हो गई, बोले क्या कर रही है, क्या सीन। इतना लेट नहीं चलेगा ब्रो, अपन ऑलरेडी लेट है। तो चलो चलते हैं, हम लोग लेट हो गए, सोते सोते लेट हो गया। देख लो चेहरे से लग रहा है। तो अभी ज्यादा और लेट नहीं करना है मुझे, मेरे टाइम पे पहुंचना है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों ने इस लोगों को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या बोलते ब्रो? चलो फिर डंडा मिलते, झाड़ किसी की भी हो, फूल अपने खिलते। ये भाई थोड़ा सा ना बोल दिया डंडा का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग, मैं कितना भी छुपाऊंगा आपको पता चल जाता है, ये मुझे मालूम है। और आप लोग भी तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो ना, वो पता कर भी ले दो। तो चलो फिर चलते हैं। गाइस, मुंबई में अभी से इतनी गर्मी पड़ने लग गई है, फरवरी का महीना चल रहा है, लग रहा है मई और जून आ गया है, हालत खराब है। बोलने से मुझे कुछ ना मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन क्या करूं, ब्लॉग मुझे ना कंटिन्यू करना तो बोलना तो पड़ेगा। बस मैं थोड़े टाइम में पहुंचने वाला हूं जहां मुझे जाना है, आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़े टाइम की। और बात है, सफर का फल जो है ना बहुत मीठा होता है, मैं भी खाना चाहूंगा फल। तो गाइस, जहाँ मुझे आना था देखो, मैं आ गया हूँ, सानो सैलून आना था और मैं सानो सैलून पहुँच गया हूँ। चलो मिलते हैं सानो भाई से। तो गाइस, मुझे सानो भाई के पास में आना था, काफ़ी टाइम से मैं ना परेशान था, मेरे हेयर को लेके कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो अभी उसको क्या करना क्या नहीं करना हो ना सानो भाई बताएंगे। तो चलो ना अभी सानो भाई के पास चलते हैं। क्या बोलते कंपनी, आ गए हम लोग सानो सैलून, दिखा दो मेरे भाई। मैं आ गया हूँ सानो सैलून, जैसे कि देख लियो। और अभी मैं चलता हूँ सानो भाई के पास में, क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग हेयर हो गया ना, तो मुझे ना क्या करना क्या नहीं करना वो सानो भाई बताएंगे। तो चलो चलते। गाइस, अभी देखो मैं सानो सैलून तो आ गया, लेकिन सानो भाई यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है वो। और अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब तक सानू भाई नहीं आएंगे तो हम लोग ना शॉर्ट रील्स वगैरह हम लोग अपना शूट कर रहे हैं, इसी में हम लोग थोड़ा टाइम निकल जाएगा। फिर सानू भाई आएंगे तब फिर वो बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग ना पूरा करेंगे। तो क्या बोलते हैं ब्रो? सो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया है और देखो अभी तक सानू भाई नहीं, मुझे लगता है मुंबई के ट्रैफिक में ना फंस गया, बस आने वाले हैं ऐसा लग रहा है, आ सकते हैं। जब तक क्या है, हम लोग ये बंदे लोग भी देखो अभी ना वो लोग चले गए, उन लोगों लगी तो भूख तो वो लोग चले गए, और अभी मैं ही हूँ यहाँ पर फिलहाल, मैं अकेला बचा हूँ। तो क्या करूँ क्या करूँ, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हेलो, कैसे हो भाई, वीडियो वीडियो चालू क्या? अरे अरे सर जी, बहुत ज़्यादा आपने वीडियो करा दिया। और सानू भाई कैसे हो आप? मस्त, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, ब्लॉग शूट कर रहा था। हाँ, आप लेट हो गए, मतलब कहीं फंस गए थे क्या? हाँ एक्चुअली मैं फंसा नहीं था, मैं कोई इवेंट्स में गया था, तो वहाँ से मैं आ। चलो ठीक है, अभी मॉर्निंग का था, उन्होंने बोला थोड़ा 10 मिनट के लिए आओ, तो मैं गया, फिर मालूम पड़ा आपका अपॉइंटमेंट है तो मैं गया। नहीं तो शाम को 4 बजे तक का इवेंट्स, तो मैं वहाँ पे और रुकने वाला था। अच्छा, मैं आपके लिए आ गया। अरे अरे थैंक यू। देखो गाइस, सानू भाई का दिल बहुत बड़ा है। नहीं मतलब आप अपॉइंटमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन आप केयर भी कितना करते हो ये भी है। तो अभी सानू भाई मेरा देखो ना हेयर तुम बहुत ज्यादा ना लॉन्ग है, तो मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या के शॉर्ट रखना है। अभी तो गर्मी बहुत हो रही है, आप तो देख रहे हो, तो लॉन्ग कुछ ज्यादा हो गया तो कुछ नया करते हैं। साइड से शॉर्ट कर दो क्या? मीडियम शॉर्ट। हाँ चलेगा ना, चलेगा। ऊपर की लेंथ इतना ही रखते, थोड़ा बहुत चॉप करते, ठीक है, और इसको साइड से शॉर्ट कर देते हैं मीडियम में, कुछ केराटिन कर लेते हैं। ठीक, जैसा आपको बेटर लगे, क्योंकि मुझे कुछ ना नया चाहिए, मैंने लॉन्ग हेयर रख के ना मतलब बहुत ज्यादा हो गया, पब्लिक भी बोल रही है कि ना कुछ नया करो।
तो ठीक है स्टार्ट करते हैं आपका हेयर कलर करना ओके और कट करना। कलर तो नहीं कर रहे ना शायद? नहीं कलर नहीं करेंगे, कैटिंग कर देते हैं जैसे आप बोल रहे हो और हेयर कट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट, तो चलो हम इसको ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम कैरेटिन करते हैं ओके कैरेटिन करते हैं फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, कट तो हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है। तो गाइज आप कैरेटिन का प्रोसेस देखो, हमारे कैरेटिन में ना एक बेनिफिट्स ये है कि बहुत सारे लोग कैरेटिन ये सब करते हैं ना तो उनके है ना फ्लैट हो जाते हैं, तो आप हमारी वीडियो में हमारे कैरेटिन में आप ये देखोगे कि हेयर ज़रा भी फ्लैट नहीं होता, वॉल्यूम वैसा ही रहेगा आपका और हेयर में शाइन आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और फिर आप उसको किधर भी मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो एक ही लुक सेट रहा है पर वो ऐसा चप्पू नहीं होता, बहुत सारी जगह पे आपका हेयर चप्पू हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। एकदम फ्लैट हो जाता है। आपने पहले किया कैसा था? काफी जगह किया है, ऐसा नहीं कि मतलब सो जाते हैं, ऐसा व्यू टाइप नहीं बनता ठीक है। तो गाइस आप वीडियो को देखो लास्ट तक, कैसा केराटिन होता है हमारे इधर का वो भी आप देखो ओके। Thank you.
में देख लो एक बार, आंसू आप लोग दिख रहा होगा मुझे ना, बहुत ज्यादा ना रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा मालूम है क्या? मुझे मेरे ना हेयर मुझे ना बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, क्या दिन हुआ है ना तो उसका जो स्मोक है वो कुछ ज्यादा मुझे ना लगा है, इसके लिए आंखों में ना आंसू आ गए हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना, अभी तो फाइनल देना बाकी है, वो फाइनल में आप लोग देखो, मुझे तो अभी भी अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं और क्या है। अभी और भी कुछ है भाई। जैसा मैंने सोचा था उससे हमने हाई लेवल में कुछ मतलब दे दिया, मैं आया था यहाँ पे जीरो और मुझे कर दे हीरो बोल सकता हूँ। बाकी हीरो हो बाकी जैसा मैंने गाइस बोला था ना कि हमारे कैटिन से हेयर कॉम कैसा भी बना सकते हैं। अभी हमने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, वॉश करने के बाद ही जस्ट ब्लास्ट ड्राई है, ठीक है। हम हमारे हेयर को जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है, ठीक है। फ्लैट में जो मैंने आपको बताया तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने कैरेटिन किया दूसरी जगह कर लेते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि कैरेटिन से भी हर फ्लैट हो जाते, पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेक्नीशियन के एक्सपीरियंस के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये प्रोडक्ट लगाएंगे, तो इससे हमें बहुत अच्छा स्टाइलिंग मिलता है, वॉल्यूम मिलता है और होल्ड होता है, मैट लुक मिलता है, ताकि हम और अच्छा इसको मूव कर सकते हैं, लुक दे सकते हैं। सर जी आप तो चमक गए हो। सर चमका है, आपने तो चमकेंगे। बाकी गाइस मुझे आप लोगों ने कमेंट बताना, मेरे लॉन्ग हेयर आपको ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्या या शॉर्ट हेयर, आप मुझे ना कमेंट करके ना बताना जरूर। आपको पता है कौन से अच्छे लग रहे हैं? मुझे तो लॉन्ग हेयर पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ आप ज्यादातर ना सजेस्ट क्या करते हो लॉन्ग हेयर के लिए? ज्यादा जितने भी सब इन्फ्लुएंसर हैं ऑलमोस्ट सबके लॉन्ग हेयर करवा चुका हूँ, फिर बाद में काट देते हैं क्योंकि कुछ अलग चाहिए ना, हमेशा एक कट कितनी बार करेंगे। ये लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है या लॉन्ग हेयर ज्यादा अच्छे लग रहे थे? दूसरा नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना चाहिए, कुछ कलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके कमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छा व्यूज आता है तो 100% कुछ नया वीडियो बनाएंगे, फिर हम लोगों के साथ में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिए भाई, मचा लो। अभी सानो भाई ने भी बोल दी तो गाइस फिर किसका वेट कर रहे हो? फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे और नेक्स्ट क्या करना चाहिए। टकला कर देना चाहिए, सही है। हम कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, भाई को टकला हूँ मैं और मैं कुछ अलग कट करता हूँ, भाई चिड़के अपने हाथ से मशीन मार देते और मेरे पर भड़क जाते हैं, ऐसा कुछ स्क्रैप करना। हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं, और हमने तो पहले बता दिया नहीं लेकिन अब उसको टाइम है, मुझे मालूम आप लोग भूल जाऊंगा। आप एमसी स्टैंड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एमसी स्टैंड के बारे में
कैसा किया वो मतलब दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, उनको जीतना चाहिए था। ये नहीं, स्टार्टिंग से मैं उनके फ्लेवर में था स्टैंड गेम, वो जो हिसाब से खेले ना काफी अच्छा खेले, और हम लोग तो उनको ना अवार्ड भी दिया है कि मतलब भाई जीते, बस लव यू ब्रो। मुझे तो उनका टोन, जो बात करने का अंदाज, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, मतलब उन्होंने वो चीज दिखाया क्या है कि जो कैमरे में दिखाया ना वो ना नेचुरल दिखाया, जो जैसे थे वही चीज दिखाए थे। वो बंदे ने किसी की कॉपी नहीं की, कॉपी नहीं किया, मतलब लैंग्वेज वगैरह रियलिटी है, बहुत अच्छा लगा। कैसा बात ने जो तरीका है बोले ना, जो थोड़ा अजीब लगता है, नहीं कुछ नहीं, एमसी भाई आपने जीत लिया सबको, सबका दिल जीते कसम से, लव यू ब्रो। तो गाइस बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, तो शायद आप बोर हो रहे होंगे, और बोर भी क्यों होंगे, हमने इतने अच्छे बंदे का नाम लिया है एमसी का। और वैसे ही गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ ये एमके का ब्लॉग है, और मैं ना बोर होता हूँ ना बोर होने देता हूँ। तो ठीक है गाइस, आप वीडियो का एंड कर लो, या आप घर जाके करने वाले हो, या जो भी आपका प्लान है। हम ज्यादा बाकी में लॉन्ग नहीं करना है इधर, तो हम लोग इसको एंड कर देंगे, ज्यादा लॉन्ग करके मतलब नहीं, तो आप सही में फिर बोर हो जाओगे, फिर मेरा जो नाम है ना वो तो समझ सकते हो गाइस। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहाँ पर करता हूँ एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब सब करो, सब बोलो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई, लव यू, बाय बाय।